Good morning, everyone. Today we write the meanings of lesson second Animals and Plants. Locomotion L O C O M O T I O N. Locomotion. It means Harkat. Despite. डी ई एस पी आई टी ई डेस्पाइट इट मींस के बावजूद न्यूट्रिशन एन यू टी आर आई टी आई ओ एन न्यूट्रिशन इट मीन्स पोषण रिप्रोडक्शन आर ई पी आर ओ डी यू

आर ई एस फीचर्स इट मीन् विशेषताएं सिमिलैरिटी एस आई एम आई एल ए आर ई टी वाई सिमिलैरिटी इट मीन्स समानता नेक्स्ट ग्लाइड जी एल आई डी ई ग्लाइड इट मीन्स सरकना एबिलिटी ए बी आई एल आई टी वाई एबिलिटी इट मीन्स योग्यता शेल्टर एस एच ई एल टी ई आर शेल्टर इट मींस आवास ब्रीदिंग ऑर्गन बी आर ई ए टी एच आई एन जी ब्रीदिंग ओ आर जी एन ऑर्गन ब्रीदिंग ऑर्गन मीन्स श्वसन अंग स्टोमेटा, एस टी ओ एम ए टी एस्टोमेटा इट मीन्स रंध्र गिल्स जी आई डबल एल एस गिल्स इट मींस गलफड़े प्रोड्यूस

संवेदी अंग एक्सचेंज ई एक्स सी एच ए एन जी ई एक्सचेंज एक्सचेंज मीन्स आदान प्रदान हरकत मीन्स होता है जैसे जीव जंतु मूव करते हैं यहाँ से वहाँ जाते हैं तो उसे उनकी हरकत कहते हैं ठीक के बावजूद ये एक वर्ड है जैसे हम बोलते हैं कि आपका पेट दर्द होने के बावजूद भी आपने फैटी फूड ईट किया तो उसमें यूज़ करते हैं डेस्पाइट के बावजूद पोषण न्यूट्रिशन ये हमारे भोजन में पाया जाता है रिप्रोडक्शन प्रजनन प्रजनन मीन्स किसी का अपने ही जैसे जाति को उत्पन्न करना अपने ही जैसे प्रकार के प्रजाति को जन्म देना प्रजनन करना कहलाता है प्रतिक्रिया मतलब रिस्पोंड जैसे कि हमें कोई मारता है तो हम प्रतिक्रिया में क्या करते हैं उसको भी मारते हैं तो ये हमारा हो गया है प्रतिक्रिया रिस्पोंड फीचर्स विशेषताएं जैसे किसी की भी विशेषताएं होती हैं जैसे पक्षियों की विशेषताएं कि उनकी बॉडी जो होती है वो खोखली होती है जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं तो ये उनकी विशेषताएं होती हैं वैसे ही शब्द यूज़ किया गया है विशेषताएं समानता समानता भी होती है जैसे अगर कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग में कहा जाए कि समानताएं है क्या हैं तो समानता ये रहेगी कि दोनों ही अपना काम अच्छे से करते हैं कंप्यूटर भी एक्यूरेट वर्क करता है और हम भी अपना परफेक्ट वर्क करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे दो चीज़ों में समानताएं बताई जाती हैं सिमिलैरिटी कि क्या सेम चीज़ है उसे बोलते हैं समानता सरकना ग्लाइड सरकना मीन्स होता है जैसे स्नेक होता है वो ग्लाइड करता है सरकते हुए आगे चलता है क्योंकि उसके लेग्स नहीं होते तो उसे बोलते हैं सरकना एबिलिटी मीन्स होती है योग्यता कि आपके पास क्या क्या योग्यताएं हैं जैसे आपने आ, कितनी क्लासेस पढ़ ली हैं तो वो आपका सर्टिफिकेट जो मिलता है आपका जो मार्कशीट मिलती है वो आपकी योग्यता है कि आपने इतनी क्लासेस पढ़ ली हैं शेल्टर आवास आवास मतलब रहने का स्थान श्वसन अंग ब्रीदिंग ऑर्गन्स सांस लेने वाले अंग कहलाते हैं जैसे हमारा हमारे लंग्स ठीक है हम लंग्स से ब्रीथ करते हैं वो हमारे ब्रीदिंग ऑर्गन हैं फिश गिल्स से ब्रीथ करती हैं वो उनके ब्रीदिंग ऑर्गन हैं रंध्र स्टोमेटा रंध्र क्या होते हैं ये लीप्स में पाए जाते हैं लीप्स की निचली सतह पर जिसके द्वारा पौधे सांस लेते हैं गिल्स गलफड़े जो होते हैं वो फिशज़ में होते हैं मछलियों में पाए जाते हैं जिनके थ्रू वो श्वसन क्रिया करती हैं सांस लेती हैं उत्पादन करना या उत्पन्न करना एक ही चीज़ है उत्पन्न करना जैसे कि एनिमल्स अपने बेबी को जन्म देते हैं उत्पन्न करते हैं प्रोड्यूस करते हैं सेंस ऑर्गन संवेदी अंग हम आपको पता है कि हमारे फाइव सेंस ऑर्गन होते हैं संवेदी अंग पाँच हैं आइज़ है ईयर है टंग है स्किन है नोज़ है तो ये हमारे फाइव सेंस ऑर्गन होते हैं आदान प्रदान का मतलब होता है एक्सचेंज करना आदान प्रदान करना जैसे प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो क्या करते हैं गैसेस का एक्सचेंज करते हैं आदान प्रदान करते हैं आई होप आपको सभी मीनिंग्स समझ में आ गई होंगी इनको आपको अपनी साइंस की नोटबुक में राइट डाउन करना है ओके okay?